हरे कृष्णा। आज हमारे समाज में सो कॉल्ड स्पिरिचुअल लीडर्स, मैनेजमेंट गुरु एग्जिस्ट करते हैं, जो भगवद गीता के नाम पर लोगों से चीटिंग करते हैं। वो लोगों को फॉल्स प्रॉमिसेस देते हैं कि आप भगवद गीता को अपने जीवन में अपनाइए एंड सक्सेस आपके कदमों में होगी। आप एक अच्छे लीडर बन सकते हैं, मैनेजर बन सकते हैं, या आप बड़े बिजनेसमैन भी बन सकते हैं। तो आइए इस वीडियो के द्वारा हम जानते हैं कि ये कितना सही है। भगवद गीता में चार प्रकार के योग के बारे में मुख्य रूप से चर्चा की गई है, कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग एंड फाइनली भक्ति योग। आज हमारे समाज में एक नया योगा बिजनेस योगा काफ़ी प्रचलित है एंड ये टर्म ना तो भगवद गीता में कहीं डिफाइंड है और ना भगवान ने बिजनेस योगा के बारे में भगवद गीता में कहीं कोई चर्चा की है। सो ये एक नई इन्वेंशन है। इट इज़ ट्रू कि जो भगवद गीता की नॉलेज है इसमें हर सब्जेक्ट के ऊपर नॉलेज अवेलेबल है, बीट लीडरशिप, सक्सेस, मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, सब विषय भगवद गीता में डिस्कस किए गए हैं। बट भगवान की भगवद गीता में हमसे मुख्य एक्सपेक्टेशन क्या है, मन मना भव मत भक्तो। भगवान कह रहे हैं कि आप मेरे भक्त बनो, माम एकम शरणम रजा, मेरी शरण ग्रहण करो। सो ये भगवान की एक्सपेक्टेशंस भगवद गीता में भगवान ने क्लियरली कॉल आउट किए। भगवान ने बाकी सब चीज़ों के बारे में बताया बट जो मेन एक्सपेक्टेशन भगवान की हैं वो हैं कि भगवान का भक्त बनें, भगवान की शरण को ग्रहण करें। सो ये जो सो कॉल्ड स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, बिजनेस लीडर्स हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये भगवद गीता की नॉलेज को प्रमोट तो कर रहे हैं बट ये केवल आधी नॉलेज को प्रमोट कर रहे हैं। वो इनफैक्ट उसकी जो एसेंस है उसके बारे में बात नहीं करते। वो ये नहीं बताते कि भगवान डायरेक्टली हम लोगों से क्या चाहते हैं। वो बाकी सब विषयों के ऊपर बात कर रहे हैं, सक्सेस, लीडरशिप, मैनेजमेंट, बड़ा बिजनेस, बट नो वन इज़ डायरेक्टली टॉकिंग कि हमें अल्टीमेटली भगवद गीता की नॉलेज को भगवान के भक्त बनने के लिए अपने जीवन में प्रैक्टिस करनी है। इसको हम एक सिंपल एग्जांपल से समझेंगे। जिस प्रकार से मिल्क होता है, मिल्क अपने आप में बिल्कुल प्योर है और अगर हम रेगुलरली मिल्क को ड्रिंक करते हैं तो वो हमारे ब्रेन को भी नरिश करता है एंड उससे हमें काफ़ी एनर्जी गेन होती है। बट जैसे ही वो मिल्क एक जहरीले सांप के संपर्क में आता है तो उसका रिजल्ट क्या होता है? वो मिल्क अपने आप में कंटेमिनेटेड हो जाता है, इट टर्न्स इनटू ए पॉइजनस मिल्क। भगवद गीता की नॉलेज क्या है? भगवद गीता की नॉलेज अपने आप में एक प्योर नॉलेज है बट जैसे ही उस भगवद गीता की नॉलेज को ये जो सो कॉल्ड स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, मैनेजमेंट गुरु हैं, वो भगवद गीता की नॉलेज को गलत ढंग से समाज में प्रेजेंट करते हैं या इसकी एसेंस के ऊपर डायरेक्टली बात नहीं करते, वो नॉलेज एक कंटेमिनेटेड नॉलेज में कन्वर्ट हो जाती है। सो इस प्रकार से जो चीटिंग हो रही है, इस चीटिंग को आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये बहुत सटल है। जिस प्रकार से वो प्योर मिल्क एंड पॉइजनस मिल्क दोनों दिखने में सेम लगेंगे, आप कहेंगे कि वो भी भगवद गीता की नॉलेज प्रेजेंट कर रहे हैं, हम भी भगवद गीता की नॉलेज प्रेजेंट कर रहे हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस? हम डायरेक्टली बता रहे हैं कि हमें अल्टीमेटली भगवान की भक्ति करनी है, भगवान का भक्त बनना है, भगवान की शरण ग्रहण करनी है। वो कह रहे हैं कि आप एक अच्छे लीडर बन जाओ, भगवद गीता को अपनी लाइफ में अप्लाई करके एक सक्सेस गेन कर लो, आप एक अच्छे मैनेजर बन जाओ या आप अपने बिजनेस को बहुत बड़ा कर लो। दैट्स वेयर द होल डिफरेंस इज। तो फाइनल मैसेज क्या है? हमारे समाज में धर्म, अध्यात्म या भगवान की नॉलेज के नाम पर ये जो सो कॉल्ड स्पिरिचुअल लीडर्स या मैनेजमेंट गुरु आज के समय में चीटिंग कर रहे हैं, हमें अपने आप को उनसे बचा कर रखना है क्योंकि वो भगवान की एक्सपेक्टेशंस को लोगों को क्लियरली कॉल आउट करके नहीं बता रहे। भगवद गीता की जो एसेंस है, भगवद गीता का जो मेन मैसेज है, उन्होंने उस मैसेज को छुपा दिया।
वो उस ज्ञान को एज इट इज़ प्रेजेंट नहीं कर रहे। ये भगवान के नाम पर चीटिंग है, और जो भगवान के साथ चीटिंग करेगा वो डेफिनेटली इस संसार के लोगों के साथ तो चीटिंग करेगा ही। तो इस संसार में जो भी सक्सेस के ऊपर, बड़ा बिजनेस, लीडरशिप, मैनेजमेंट, इन सब के ऊपर भगवद गीता से जोड़कर बोल रहे हैं, वो केवल चीटिंग कर रहे हैं। ये इनफैक्ट भगवान के साथ भी व्यापार है, क्योंकि कई लोग इस भगवद गीता की नॉलेज के आधार पर अपने बड़े बड़े बिजनेस एम्पायर भी रन करने में लगे हुए हैं। यस, एज ए बाय प्रोडक्ट हमें सक्सेस मिल सकती है, हम एक अच्छे लीडर बन सकते हैं, हमारे अंदर अच्छी मैनेजरियल क्वालिटीज़ आ सकती हैं, बट हम भगवद गीता को इस उद्देश्य से पढ़ें, भगवद गीता को इस उद्देश्य से अपने जीवन में अप्लाई करें, ये गलत है। हमें एसेंस को टच करना है। एसेंस क्या है? एसेंस है कि हमें भगवान का भक्त बनना है। मन मना भव मत भक्तो। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की जय। ऑल ग्लोरीज टू शिला प्रभुपाद।